मध्य प्रदेश में चुनावी साल में सरकार से अपनी मांगें मनवाने के लिए कर्मचारियों ने आंदोलन की राह पकड़ ली। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के बाद वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर चौकीदार भी आंदोलन की तैयारी में जुट गए हैं। बुधवार को वेतन वृद्धि की मांग को लेकर चौकीदारों ने मध्य प्रदेश कोटवार संघ के आह्वान पर मुख्यमंत्री के नाम पोहरी एसडीएम राजन वी नाडिया को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से चौकीदारों ने कहा है कि सरकार द्वारा उनकी मांगें नहीं मानी जाती है तो मध्य प्रदेश के 38,000 चौकीदारों में से 10,000 चौकीदार 1 दिसंबर 2022 से भोपाल के नीलम पार्क में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठेंगे। पौरी से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। एसडीएम साहब को जो ज्ञापन दिया है वो क्या कुछ है? वो हमारे सभी कोट भाई मिल के हम तहसील पर आए हुए हैं और कुछ ही दिनों बाद 1 तारीख को हम नीलम पार्क भोपाल में जा रहे हैं। कुछ हमारी मांगे हैं। क्या मांगे हैं? हमारी मांगे हैं, हमको कुछ ही पीड़ों से कुछ ही काम हम चल रहे हैं, हमारी नौकरी चल रही है। ओनली हमको 4,000 रुपये का वेतन मिलता है। शिवराज सिंह जी से हमारा नम्र निवेदन है, सभी से हमारा कहना है, सभी मिलकर हम जा रहे हैं भोपाल। हमारी इस वेतन में थोड़ा गुजारा नहीं हो रहा परिवार का। हमको 100 रुपया रोज की मजदूरी मिल रही है। इससे सचिव है, सेक्रेटरी है, सहायक सेक्रेटरी है, सब लोगों की अभी नौकरी करते हुए हैं। हमको कई पीढ़ियों से इसी कोटवारी में लगे हुए हैं। ओनली हमारी 4,000 रुपये की वेतन है। शिवराज सिंह से नम्र निवेदन है, हमारा ज़्यादा से ज़्यादा हमारी नीलम पार्क में आकर हमारा आंदोलन को सहयोग दे और अगिंदा हमारी वेतन ना बढ़ने पर हम सभी कोटवार भाई भूख हड़ताल पर बैठेंगे और हमारी मांगों को जल्दी सुनवाई की जाए।